नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। राहे पंचायत में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र है जर्जर। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की जिंदगी खतरे में। 200 रुपये भाड़े में चल रहा है राहे का आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों और सेविका अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। भाड़े में चलने वाला राहे पंचायत के राहे वन का आंगनबाड़ी केंद्र है जर्जर। आंगनबाड़ी के सेविका का कहना है कि विभाग के अधिकारी देख कर गए हैं, पर बरसों से इसी हालत में है, बच्चों को पढ़ाने पर है विवश। आंगनबाड़ी का हालत देख किसी की भी रूह कांप जाए। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधियों ने नहीं लिया राहे में चलने वाली राहे वन आंगनबाड़ी केंद्र का सूद। राहे पंचायत के वार्ड नंबर 4 में चल रहा है राहे वन आंगनबाड़ी केंद्र। राहे पंचायत के वार्ड 4 के आंगनबाड़ी केंद्र का 200 रुपये भाड़ा। आंगनबाड़ी जिसमें चल रहा है उसका है बुरा हाल। अधिकारी भी देख कर कर चुके हैं अनदेखा। अगर जल्द इस आंगनबाड़ी के घर को बदला नहीं गया तो हो सकती है दुर्घटना। राहे पंचायत वार्ड 4 में चलने वाली आंगनबाड़ी का छत पूरी तरह टूट चुकी है। टूटे छत के नीचे पढ़ने को विवश है राहे पंचायत के वार्ड 4 के बच्चे। जान जोखिम में डालकर आंगनबाड़ी सेविका बच्चों को देखती और पढ़ाती है। अधिकारियों ने आंगनबाड़ी को देखा भी है, पर कुछ भी समाधान अभी तक नहीं किया गया है। कौन सा आंगनबाड़ी सेविका क्या कहती है? फर्स्ट है, मैं आंगनबाड़ी सेविका संगीता देवी। यहाँ पे मतलब जो हमारा आंगनबाड़ी रेंट पे चलाया जाता है, ये मतलब हम लोग को अभी तक आंगनबाड़ी का सुविधा भवन मतलब दिया नहीं गया है रेंट पे। हम जब से यहाँ कोई अधिकारी देख के गए हैं इस आंगनबाड़ी का स्थिति? हाँ, हमारी हमारे डिपार्ट की मैडम सुपरवाइजर मैडम देख के गई है कि यहाँ की स्थिति बहुत खराब, वो भी देखी है, पर अभी तक कुछ इसका सुनवाई नहीं हुआ है। नया भवन का कोई मतलब ये नहीं किया गया है। कितने साल से ये चल रहा है आंगनबाड़ी? हम तो मतलब ये आंगनबाड़ी में 2005 से मतलब जॉब में है, तो जब से हम जॉब में तब से हम रेंट पे ही चला रहे हैं। यहाँ रेंट पे ही चल रहा है? हाँ, रेंट पे ही चल रहा है। और स्थिति यहाँ बहुत ही दर्जर है और कभी भी घटना घट सकता है। हाँ हाँ, एकदम। तो बच्चों को बैठाने में डर लगता है, खुद अपने भी बैठते हैं तो लगता है ऊपर से कहीं गिर ना जाए। बहुत ही जर्जर स्थिति है ये, इसको बनाने की कृपा की जाए, मैं तो यही बोलूँगी। सिंहपुर नर्सिंग होम, जी हाँ, सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में अवेलेबल है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में 700 से अधिक मरीजों ने आयुष्मान का लाभ लिया है। दूर दूर से आते हैं मरीज सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में, तो आप भी आयुष्मान का लाभ उठाएं सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में। सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में सभी प्रकार के इलाज किया जाता है। सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा इलाज किया जाता है, वो भी रांची के डॉक्टर आते हैं रोज मरीजों के इलाज के लिए। और साथ ही साथ अब तक 700 से अधिक मरीजों का सफल ऑपरेशन भी किया गया है आयुष्मान के द्वारा सिंहपुर नर्सिंग होम में। रामगढ़, गोला,
बोकारो, धनबाद, चास, जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा, बुंडू तमाड़, राहे, सुनहातू, बंता, अनगढ़ा और बंगाल के भी मरीज आयुष्मान का लाभ ले चुके हैं। सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में तो आप भी आयुष्मान का लाभ लेने जरूर आए। सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में ध्यान रहे, आयुष्मान का लाभ सिर्फ राशन कार्ड धारियों के लिए उपलब्ध है। तो जब भी आप आए सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में आयुष्मान का लाभ लेने, तो अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लाना ना भूले। 24 घंटे मरीजों का इलाज किया जाता है सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में। सिंहपुर नर्सिंग होम मोरी में सभी तरह के फैसिलिटी उपलब्ध है, जैसे सीटी स्कैन, इको, ऑक्सीजन, ईसीजी, पल्स ऑक्सीमीटर, पैथोलॉजी, नेबुलाइजर, बेड केबिन, सक्शन मशीन, फोटोथेरेपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, इम्यूनाइजेशन, ऑपरेशन मेजर एंड माइनर, और साथ ही साथ एम्बुलेंस की सेवा 2400 घंटे, सी आर्म, पीडियाट्रिक फैसिलिटी और कैंटीन की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो आए आयुष्मान का लाभ लेने हमारे हॉस्पिटल सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में। अब तक 700 से अधिक मरीजों ने सिंहपुर नर्सिंग होम में आयुष्मान का लाभ उठाया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।